शरी हमने रोड़ा जी मेरे छोटे भरा जी आया नू और नाल ही मेरे सारे एमसी साहबाना जेडे नाल आए आ उन्होंने भी जी आया मेरे यार दोस्त उतरले महल चो इतरले चो आए सारे नू मैं जी आया आखदा और हरदीप जी बोल रहे थे इन्हां कोले शब्द बोलने बहुत वधिया ने मैं थोड़ा घट बोलदा जां इह कह लो कि बोलना घट आउंदा अज मैं सवा साल हो गया अमन अरोड़ा जी नाल काम करदिआं नूं इन्हां दे काम देखे इन्हां दी सोच देखी सोच जिहड़ी सोच है इन्हां दी उह मेरे दिमाग ते भारू हो गई क्योंकि इह शहर दा विकास दिलों तनों मनों करना चाहुंदे ने जो मैं रोज़ देख रहा जरों मिलदे आ विकास तों बिना कोई गल नहीं हमेशा विकास दी गल भाईचारे दी गल भाईचारक दी गल इह बहुत ही मैनू इंप्रैस होया मैं इन्हां गल्लां तों और तुसीं देख रहे हो शहर दे विच किन्ने काम जिहड़े आ उह इन्हां दे आउण तों बाद चले आ ऐसी गल नहीं मैं ये नहीं किसी ने दोष दिता कि पिछलियां सरकारां दे काम नहीं होए आदिकाल तो काम करदियां आईयां सरकारां तां ही साडा कंट्री इत्थों तक पुज्जा बट मेरी सोच जिहड़ी आ उह इह है कि मिलजुल के काम कीते जाण हुण असीं प्लेटफार्म ते आ गए हां मैं अज तों आम पार्टी ज्वाइन कर रहा अमन जी नूं ज्वाइन कर रहा ते मैं तुहानूं दसणा चाहुंदा तो ज्वाइन इसे करके कर रहे हैं कि जो तुम दस्या सोच ते काम चंगे लगे सो नाल मेरे कोई साथी भी ज्वाइन करनगे और उम्मीद है उम्मीदा ही उम्मीद उम्मीदा से ही बंदा जींदा इंसान उम्मीद है भी असीं रल मिल के इन्हां दी देख रेख हेठ वधिया काम करांगे शहर नूं सवारांगे शहर नूं सोहणा बनावांगे ते साडी सोच दोनां दी इक्को जी है उत्तों मान साहब की सोच भी यही है कि पंजाब नूं अग्गे लैके जाणा साडे नैशनल सुप्रीमो जिन्हां ने पूरे देश नूं सिखाया कि राजनीति किहो जी होणी चाहीदी है श्री अरविंद केजरीवाल जी दा इह उहनां दा काफिला वधिया मैं तो उन्होंने काफिले दे विच खुद आप एक छोटा जिहा सिपाही हाँ पर हाँ इन्ना जरूर होंदा कि जो लोगों ने ते जो पार्टी ने और जो मेरे लीडर्स ने जिम्मेवारी लाई है उन्होंने पूरी ईमानदारी तनदेही कमिटमेंट ते डेडिकेशन दे नाल निभाईए उसे नूं देखदे होए अज सरकार बनी नूं सवा साल होया और साडे सरकार दे कम्मां नूं देखदे होए ईमानदारी नूं देखदे होए सरकार दी लोकां प्रति सुहिरदता नूं देखदे होए और पंजाब नूं मुड़ द्वारा खुशहाल बनाउण दे खुशहाल ते रंगला पंजाब बनाउण दे सुपने नूं देखदे होए अज साडे सुनाम शहर दे प्रधान निशान सिंह टोनी जी ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਆਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰ ਇੱਕ 11 ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ
स्कूल दियां दो मंजिला सीनियर गर्ल सीनियर सैकेंडरी स्कूल दियां दो मंजिला 3,66,00,000 की लागत के नाल उहदा शुरुआत करा गया। सो अज तकरीबन अज ही 10 करोड़ के काम ने जिहड़े हल्के दे विच शुरू हो रहे हैं। होर इस तों बहुत सारे काम ने जिहड़े ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਈਵਨ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਮੈਟਲ ਵਰਲਡ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਜਾਨੇ ਕੀ, ਤੋ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਕੋ ਭੂਲ ਕਰ ਸਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸਪਨੋ ਕਾ ਘਰ, ਆਫਿਸ, ਹੋਟਲ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਵੇ ਵਾਸਤੂ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट में। द मेटल डेकोर वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट स्टॉक कीपिंग यूनिट ऑफ मेटल डेकोर इन द रीजन, एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट है मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमाइजर्स, इनोवेटर्स, थोक सप्लायर्स एंड होलसेलर। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा बनाया गया हर प्रोडक्ट जंग रहित प्रोडक्ट है। जी हाँ, रस्ट फ्री। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट के पास वॉल आर्ट, वॉसेस एंड प्लांटर्स, मिरर एंड क्लॉक्स, फ्लोर एंड टेबल लैंप, कंसोल्स एंड नेस्टिंग टेबल्स, फिंगरिंग्स एंड स्टैचू एंड मच मोर। एवन हैंडीक्राफ्ट वी अंडरटेक इंटीरियर मेटल डेकर प्रोजेक्ट्स। ये सब मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए भी थोक और प्रचून की सेवा उपलब्ध है। इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। एवन हैंडीक्राफ्ट स्ट्रीट एडजॉइनिंग एवंस केक्स एंड बेक्स, नज़दीक पीर बाबा चौक, ढांगू रोड, पठानकोट। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं, 9417604147 या फिर 9780546468।